तो अस्सलाम वालेकुम अगेन, थैंक यू सो मच मेरे ब्लॉग में दोबारा ज्वाइन करने के लिए। अभी हम जा रहे हैं एक ड्रग स्टोर पे, नाहदी, जिसका नाम है यहाँ मदीना पार्क में सऊदीया में बहुत ही फेमस है। और यहाँ पे कुछ कॉस्मेटिक ब्रांड्स हैं जो कि बहुत ही यू नो रेयरली अवेलेबल होती हैं, बट यहाँ पे वो होती हैं। सो उस वजह से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमें यहाँ से कुछ अच्छा सा स्किन केयर या फिर कुछ कॉस्मेटिक ब्रांड्स मिल जाएं। सो लेट्स गो एंड सी, और आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पे ये देखिए, इन्होंने न्यू करीम की बाइक्स इंट्रोड्यूस की हैं। इस पर आपको जैसे बाकी कंट्रीज़ में होती हैं उस तरह यहाँ पे भी इन्होंने करीम की जो है वो बाइक्स इंट्रोड्यूस कर दी हैं। अभी रोड क्रॉस करनी है और उसके लिए मुझे फ़ोन नीचे रखना पड़ेगा इससे पहले के ओके गाइस, मैं आपको जाके दिखाती हूँ आगे। अच्छा गाइस, ये चेक करें आप, इसकी मैं बात कर रही हूँ। और यहाँ पे काफ़ी सारी ब्रांड्स होती हैं। लेट्स गो एंड सी के इधर कौन कौन सी ब्रांड्स अवेलेबल हैं। सो गाइज़, ये जो एक ब्रांड थी इसका नाम मुझे उधर भी नहीं पढ़ा जा रहा था, एंड आई थॉट के लेट्स सी कि इनके पास क्या क्या अवेलेबल है। तो ये एक मैंने चीज़ उठाई थी, जेल म्यूजियम था, एंड आई डोंट थिंक के ये मेरी स्किन के लिए, बिकॉज माई स्किन इज़ नॉट वेरी सेंसिटिव, बट इसमें था कि ऑयली और सेंसिटिव स्किन के लिए, बट माई स्किन इज़ नॉर्मल। तो इसलिए आई थॉट के ये मैं देखती हूँ। सिटाफिल सिरवी भी है इधर, एंड सिरवी और सिटाफिल जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल है, बट यहाँ पे आपको कंफर्म नहीं होता कि क्या ये ओरिजिनल ब्रांड है या फिर ये कॉपी है। सो आई थॉट के मे बी आई विल बाय दिस फ्रॉम हियर। मेरा बेसिकली प्लान था कि मैंने कुछ क्लिनजिंग के लिए लेना है, अलॉन्ग विद दैट मे बी समथिंग फॉर रिकवरिंग फ्रॉम माई टैन, बिकॉज आप सऊदीया जब जाते हैं तो ऑब्वियस ये बात है कि आपका कलर कॉम्प्लेक्शन जो है वो डार्क हो जाता है, टैन हो जाता है वहाँ की थोड़ी गर्मी की वजह से, वहाँ का वेदर ऐसा होता है। तो ये मैंने एक विटामिन सी क्लिनज़र उठाया था, एंड विटामिन सी क्लिनज़र जो है वो बहुत अच्छा होता है आपका टैन हटाने के लिए। सो आई थॉट के आई शुड ट्राई दिस वन, एंड ऑफकोर्स इस पर भी मैं एक ब्लॉग बनाऊँगी कि ये कैसा था, इसके क्या रिजल्ट आए, एंड आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। और इस ब्रांड में मुझे कुछ अच्छी चीज़ें नज़र आ रही थी। सो अनदर वन दैट आई सॉ वाज दिस टीन स्किन पोर ब्लास्टर। ऑब्वियसली एवरीबडी हैज़ दोज काइंड ऑफ ओपन पोर्स, एंड दे डोंट लुक गुड विद मेकअप। तो आई थॉट कि मैं ये ट्राई करूँ, और डेफिनेटली आई लेट यू नो। ऑन द वे मैंने ये ले लिया ऑरेंज जूस, एंड यहाँ के लोकल स्टोर से लिए, और बहुत ही टेस्टी है। इसमें बिल्कुल भी कोई सॉल्ट या शुगर एडेड नहीं है, सो इट इज़ प्योर ऑरेंज जूस एंड आई एम एंजॉइंग दिस। ओके गाइस, सो आई हैव बॉट दिस निपा प्योरीफाई टीन स्किन फिक्स पोर ब्लास्टर, जो कि पोर्स को जो है वो मिनिमाइज करेगा। इट इज़ बेसिकली टू इन वन मास्क एंड स्क्रब फॉर क्लियर एंड फ्रेश स्किन। सो मैं इसका आपको रिव्यू बताऊंगी कि कैसा रहा। ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट मैंने ली है सिटाफिल मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन, बिकॉज बहुत ज़्यादा ड्राई हुई है स्किन आजकल। यहाँ का वेदर ऐसा है कि यहाँ पे स्किन बहुत जल्दी ड्राई होती है, सो हाइड्रेट करेगी ये, सुपर हाइड्रेशन के लिए है। एंड इसका भी रिव्यू जो है मैं आपको बताऊँगी फिर कि कैसा रहा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई हैव बॉट दिस सेम निपफैब इल्यूमिनेट विटामिन सी फिक्स क्लींजर, एंड दिस इज़ बेसिकली थोड़ा सा टैन हटाने के लिए। एज यू कैन सी माई हैंड्स आर ऑल्सो वेरी टैन दीज डेज, तो थोड़ा सा टैन हटाने के लिए जो है वो आई विल बी यूजिंग दिस। इन सब के रिव्यूज़ मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह, एंड थैंक यू फॉर स्किन।